हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 दिसंबर साल 2001 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन की मूवी कभी खुशी कभी गम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप ही में से एक दर्शना चंचल शर्मा की रिक्वेस्ट पर है, और अगर आपको भी अपने किसी फेवरेट मूवी के बारे में अननोन फैक्ट्स जानने हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी मूवी का नाम पोस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूवी कभी खुशी कभी गम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उनके पिता यश जौहर ने, और इस मूवी में म्यूजिक दिया था जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव की जोड़ी ने। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो इस मूवी में हम लोगों ने देखा था अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, जया बच्चन, काजोल, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, फरीदा जलाल, आलोक नाथ और जुगल हंसराज जैसे कलाकार। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को बनाने में लगभग 40 करोड़ का खर्च आया था और इस मूवी ने टोटल 130 करोड़ की कमाई करी थी, और ये मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कभी खुशी कभी गम मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर करण जौहर की ये दूसरी मूवी थी। इससे पहले करण जौहर कुछ कुछ होता है नाम की मूवी बना चुके थे, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम मूवी बनाई। और दोस्तों, इन दोनों मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, जैसे कि इन दोनों मूवीज़ में हम लोगों ने देखा था शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी को। इस मूवी में शाहरुख खान का नाम था राहुल, काजोल का नाम था अंजलि, और सेम कुछ कुछ होता है मूवी में शाहरुख खान का नाम था राहुल और काजोल का नाम था अंजलि। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर दो की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी अपने समय की बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था, और उस समय इतने बजट में लगभग 8 से 10 मूवीज बन जाया करती थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर तीन की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी में अभिषेक बच्चन ने भी एक कैमियो किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि उन्होंने अपने डायरेक्टर दोस्त करण जौहर से कहकर अपने रोल को फिल्म से हटवा दिया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर चार की। तो मैं आपको बता दूं, फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार करण जौहर के पिता यश जौहर से कुछ कुछ सिमिलरिटीज रखता था। जैसे कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम था यश रायचंद, और जिस दिन यश रायचंद जी का बर्थडे फिल्म में मनाया जाता है, वो असल में यश जौहर के बर्थ डेट होती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर पाँच की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी में आमिर खान और रानी मुखर्जी की फेमस मूवी गुलाम का गाना आतिक या खंडाला गाने को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पर फिल्माया गया था, और इस गाने को करण जौहर ने विदाउट परमिशन अपनी फिल्म में यूज़ किया था, और बाद में गुलाम मूवी के मेकर्स ने इस मूवी पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, क्योंकि इस मूवी में बड़े बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे किरदार थे, इसलिए उन्होंने इस मूवी पर ऑब्जेक्शन उठाना उचित नहीं समझा था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर छः की। तो मैं आपको बता दूं, आमिर खान की मूवी गुलाम का गाना यूज़ करने के बाद कभी खुशी कभी गम मूवी की स्क्रीनिंग पर आमिर खान को बुलाया गया था, और आमिर खान गए भी थे, और उन्होंने कॉफ़ी विद करण के सेट पर यह बात बोल दी थी कि जब वो कभी खुशी कभी गम मूवी की स्क्रीनिंग अटेंड कर रहे थे तो उनको फिल्म बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, और वो भाग कर जल्दी से घर जाना चाहते थे, और इस बात के लिए उन्होंने करण जौहर से सॉरी भी बोली थी। उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर ने इस बात को माफ़ कर दिया था, और वो काफ़ी इस बात पर हंस भी रहे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर सात की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम पहली ऐसी भारतीय मूवी है जिसे मूवी के अलावा एक बुक के रूप में भी रिलीज़ किया गया था, और इस बुक की लगभग 15 लाख यूनिट बिकी थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर आठ की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी का म्यूज़िक दिया था जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव की जोड़ी ने। और दोस्तों, जब इस मूवी का म्यूज़िक रिलीज़ हुआ था तो 30 दिन के अंदर इस मूवी की 25 लाख कैसेट बिक गई थी, और दोस्तों टोटल कुल मिला के इस मूवी के 35 लाख यूनिट बिकी थी, और ये इस मूवी का एल्बम उस साल का फर्स्ट हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 9 के। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी में यंग राहुल का किरदार निभाया था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 10 की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में पहले ऐश्वर्या राय को भी लिया जाना था, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने इस मूवी में काम करने से मना। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 11 की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी में करीना कपूर के बॉयफ्रेंड रॉबी का किरदार पहले जॉन अब्राहम प्ले करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 12 की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में आलोक नाथ शाहरुख खान के ससुर का रोल प्ले कर रहे थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आलोक नाथ की उस समय उम्र थी 58 साल और शाहरुख खान की उम्र थी 49 साल। इन दोनों के बीच 9 साल का अंतर था, इसके बावजूद इन लोगों ने दामाद और ससुर का रोल प्ले किया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 13 की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल प्ले किया था,
और आगे चल के शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन की मूवी डॉन का रीमेक किया था और ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन की मूवी अग्निपथ का रीमेक किया था और ये दोनों ही मूवी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 14 के। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में एक सीन के दौरान काजोल शाहरुख खान को बोलती हैं तुसी ना जाओ। दोस्तों ये डायलॉग करण जौहर की मूवी कुछ कुछ होता से लिया गया था। इस डायलॉग को कुछ कुछ होता मूवी में सरदार जी नाम का जो छोटा बच्चा होता है वो इस डायलॉग को बार बार बोलता है। उसी डायलॉग को कभी खुशी कभी गम मूवी में भी रखा गया था। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 15 की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की माँ का रोल प्ले करने वाली थी। उन्होंने कुछ कुछ सीन शूट भी कर लिए थे लेकिन फिल्म की शूटिंग के बीच में ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए मजबूरन उन्होंने इस मूवी में काम नहीं कर पाई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 17 की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी में एक रोल के लिए अजय देवगन को भी साइन किया गया था लेकिन बाद में उन्होंने डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से इस मूवी में काम करने से मना कर दिया था। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 18 की। तो मैं आपको बता दूं, कभी खुशी कभी गम मूवी साल 2001 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी थी। साल 2001 में पहले नंबर पर मूवी थी सनी देओल की गदर, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर मूवी थी लगान, चौथे नंबर पर मूवी थी इंडियन और पांचवें नंबर पर मूवी थी दिल चाहता है। चलिए फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।